सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार पूरा हो गया है। इस बार टॉपर्स का चौका लगा है। एनसीआर के स्टूडेंट्स ने नाम रोशन कर दिया। सीबीएसई ने 10वीं क्लास के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कुल 86.70 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। छात्र छात्राएं सीबीएसई की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। दोपहर 1:15 पर नतीजों का ऐलान हुआ। 88.67 छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 85.32% छात्र पास हुए हैं। यह आंकड़ा छात्राओं से 3.35% कम है। इस साल 5 मार्च से 4 अप्रैल के बीच हुई परीक्षा में कुल 16,24,681 छात्र बैठे थे। 14,08,534 छात्र पास हुए हैं। इस बार 500 में से 499 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इस बार 4 टॉपर्स हैं। गुरुग्राम डीपीएस के प्रखर मित्तल, आरपी पब्लिक स्कूल बिजनौर की रिमझिम मित्तल, स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल शामली की नंदिनी गर्ग और भवन विद्यालय कोची की श्रीलक्ष्मी जी। तिरुवनंतपुरम रीजन 99.60% के साथ सबसे ऊपर, 97.37% के साथ चेन्नई दूसरे नंबर पर, जबकि अजमेर 91.86% के साथ तीसरे नंबर पर। जो छात्र सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। लगभग 10 वर्षों के बाद पहली दफा 10वीं की बोर्ड की एग्जाम हुई है और ये परीक्षा अपनी कैपेसिटी को टेस्ट करती है, अच्छी है।